अमित मजा बात तेरा सुप्रभात। मैं आज एक हिंदी पोएम पढ़ने वाला हूँ। इसका नाम है मिर्च का मजा। ये काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर गुंजड़न से बोला अजियो दियो। कुंजड़न से बोला बेचारा जियो त्यो समझे कुछ समझा कर। लाल लाल पतली छीमी खोख चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमी या फक्त चार आने की। हाँ ये तो सब खाते हैं, कुंजड़न झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च की मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फरी का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत अपनी पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मद लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसके क्यों बिना सदाए छोड़े। आंख पोछते दांत पीसते रोते और सियाते, वो खाता ही रहा मिर्च को छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यों कर रहा है तबाही। कहा काबुली मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा, जातू अपनी रहा सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। लेखक राम नरेश यंदिनकर। थैंक यू। राम नरेश यंदिनकर पोएट।